दोस्तों आज जो कॉमिक्स पढ़ेंगे उसका नाम है मन कौर जंकू का नया हंगामा। कॉमेडी कॉमिक्स होती है इनकी, हास्य बम। तो पढ़ते हैं इसको। मन कौर और जंकू का नया हंगामा, यह उस समय की कहानी जब जबकि हमारे देश पर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था और देश का बच्चा बच्चा अंग्रेजों के विरुद्ध सिर उठाने की कोशिश कर रहा था। शक्तिपुर सैनिक छावनी के साथ ही स्थित शक्तिपुर कस्बा वासियों के केवल 300 थे। एक दिन भर खूब मेहनत करना, दो नित्य शाम को बांग मिली ठंडाई पीकर गप्पे आंकना, तीन छावनी में रह रहे अंग्रेज सैनिकों की नाक में दम करना। वाह भैया वाह, मजा आ गया, हा। सैनिक छावनी में रह रहे अंग्रेज अफसरों को दिन रात केवल एक ही चिंता खाई जाती थी। हम क्रांतिकारी ज्वाला सिंह को जल्दी जिंदा या मुर्दा पकड़ना मांगता। गुर, वो ज्वाला सिंह का बच्चा अंग्रेजों का पक्का दुश्मन होता। वो जब तक जिंदा रहता हम सबको मुसीबत करने को आए। गुर। कहानी आगे पढ़ने से पहले आइए चित्र कथा के मुख्य पात्र तथा कुछ कुपात्रों से थोड़ा परिचय कर लिया जाए। यह श्री मनकुलाल, आपको बचपन से ही खाने का बड़ा शौक है। आप इतना खाते थे कि घर वालों ने आपको घर से निकाल दिया और फिर आपने मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए ब्रिटिश सेना में दाखिला ले लिया। और आप में श्रीमंत जनकुलाल, आज तक अपने जीवन में कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाए। जब पूरे देश में आपको कोई काम नहीं मिला तो अंग्रेजों का भट्ठा बिठाने के लिए आप ब्रिटिश सेना में भर्ती हो गए। वैसे जनकू ने यह काम जानबूझ कर नहीं किया था। आप है कैप्टन किलर, आप विलायत से भारत इसलिए आए हैं कि आप भारतीयों को पूरा मूर्ख मानते हैं और अपने एक मान प्रतिज्ञा की है कि आप भारतीयों का दिमाग दुरुस्त करके ही छोड़ेंगे। बेचारे कैप्टन साहब, भगवान इन्हें कामयाबी दे। आप है कर्नल विल्सन, आप शक्तिपुर छावनी के मुखिया हैं। आपकी यह मान्यता है कि अंग्रेजों को अगर भारतीयों पर शासन करना है तो उन्हें भारतीयों पर कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, यानी कि आप भारतीयों को गुड़ चढ़ाकर करेला खिलाना चाहते हैं। आप है ग्वाला राम दिन उर्फ क्रांतिकारी ज्वाला सिंह। जी हाँ, आपके एक नहीं बल्कि दो दो रूप हैं। आप दिन के उजाले में भोला बाला राम दिन बनकर शक्तिपुर छावनी में पानी मिला दूध सप्लाई करते हैं और इसी बहाने अंग्रेजों का भेद भी लेते हैं। और फिर रात के अंधेरे में आप क्रांतिकारी ज्वाला सिंह का रूप धरकर अंग्रेजों को छट्टी का दूध याद दिलाते हैं। अंग्रेजों ने कई चाल चली, कई पैतरे बदले, लेकिन वे आपको पकड़ पाने में हर बार असफल रहे हैं। शक्तिपुर के भारतीय के आप एकमात्र हीरो हैं। आप हैं राम दीन की पत्नी छमिया। मजे की बात यह है कि छमिया को यह नहीं मालूम कि उसका पति क्रांतिकारी ज्वाला सिंह बनकर देश की अनमोल सेवा कर रहा है। छमिया तो केवल यह जानते हैं कि उसका पति बहुत सीधा साधा है और उसे बहुत प्यार करता है। आप है ज्वाला सिंह के पालतू बंदर नंदकू। केवल आप ज्वाला सिंह के विश्वसनीय हमराज हैं और आप है इस चित्र कथा के सबसे विद्रोही कलाकार भीमू सांड। आपको अंग्रेजों की गोरी चमड़ी बिल्कुल ही नहीं भाती। किसी भी अंग्रेज को देखते ही आप अपने भीम सैनी सींग खड़े करके उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। आइए आगे की कहानी पढ़े। कैप्टन किलर ज्वाला सिंह को पकड़ने के लिए अपने दिमागी घोड़े दौड़ा रहे हैं। अगर हम ज्वाला सिंह को पकड़ लेता तो हमको कर्नल विल्सन खूब इनाम देना मांगता। आह, अब हम जरा ब्रांडी पीता, फिर हमारा दिमाग काम करने को मांगता। ही। हम अंग्रेज लोगों को जब भी कुछ कुछ सोचना होता हम ब्रांडी पीता। ग्लुप ग्लुप। आह, इस बोतल में ब्रांडी होता या मिट्टी का तेल। आह, ये हमको क्या होता, गोल गोल घूमना क्यों मांगता। हमको ऐसा लगता कि हम हवाई जहाज में बैठकर नीचे को गिरता है। मन को जनकू का बच्चा जल्दी इधर आने को मांगता। कैप्टन साहब की बात से लगता है हम सबसे जरूर फिर कोई गलती हुई है। बू, तू जब भी सोचता उल्टा ही सोचता है। हो सकता है वो हमें शाबाशी देने के लिए बुला रहे हो। हमारा ब्रांडी का बोतल में मिट्टी का तेल किसने मिलाया है। गुरु, जी जी जी, उस दिन हम लालटेन साफ कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल बचा हुआ था। वो और बचा हुआ तेल शायद हमने इसी बोतल में डाल दिया था। साहब, अब हमें क्या मालूम कि मिट्टी का तेल और शराब में क्या फर्क होता है। वो हमें तो दोनों की बदबू एक जैसी लगती है। अब क्या होगा। कोई बात नहीं, तुम दोनों ने आज हमको एक नया टेस्ट वाला कॉकटेल पिलाया है।
हमको आज खूब मजा आना मांगता, हे 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 कमाल है, तब तो कल से हम आपको डबल रोटी पर ग्रीस लगाकर खिलाया करेंगे। तुम्हारा कॉकटेल पीकर हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम हिंदुस्तानी कपड़ा पहनकर शक्तिपुर जाकर जासूसी करना मांगता, ही 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 वाह वाह क्या दासू आइडिया है, सब मिट्टी के तेल की कृपा है। तुम दोनों कल बाजार जाता और वहां से हमारे वास्ते धोती कुर्ता खरीद कर लाता और यहाँ यह बात किसी को भी नहीं बताता। दूसरे दिन जब वे नजर बाजार जा रहे थे, राम 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 दीन भैया, आज हम एक बहुत ही सीक्रेट मिशन पर जा रहे हैं, बस यह समझो कि अब ज्वाला सिंह हमारे कैप्टन साहब की मुट्ठी में है। हे हे मैं तुम दोनों के लिए मथुरा से पेड़े लाया हूँ, खाओगे नहीं? मथुरा के पेड़े खाने से भला बड़ा मिशन और क्या हो सकता है, यम यम वाह वाह क्या बात है, मजा आ गया, यम यम। अब रामदीन भैया तुमसे अपने सीक्रेट मिशन के बारे में क्या छिपाना? नहीं नहीं मैं क्या करूंगा जानकर, हमारे कैप्टन किलर जासूस बनकर शक्तिपुर कस्बे में जाएंगे और ज्वाला सिंह के बारे में शक्तिपुर वासियों से सब कुछ पता कर लेंगे, क्या समझे? हे हे मैं गरीब ग्वाला भला क्या समझूंगा यह सब। तभी कर्नल विल्सन की जीप वहां आ पहुंची। तुम दोनों ड्यूटी के टाइम में कहां घूमता है, हम तुम दोनों को गप्पे मारने के जुर्म में कोर्ट मार्शल कर देगा, गुर मारेंगे बिना मौत के, बू। अब कर्नल साहब आपसे क्या छिपाए, आपको तो कैप्टन किलर के सीक्रेट मिशन के बारे में बताना ही होगा। दरअसल बात यह है कि कैप्टन किलर शक्तिपुर कस्बे में जासूसी करने जाएंगे और हम बाजार से उनके लिए धोती कुर्ता खरीदने जा रहे हैं। वेरी गुड, कैप्टन किलर बहुत बहादुर होता तो हम उससे बहुत खुश होता, तुम दोनों बाजार जाना मांगता। और जब वे छावनी के मुख्य द्वार पर पहुंचे, हाल्ट, कहाँ जाता, गेट पास दिखाता व नामा भी शूट करता। संतरी जी अब तो आपको भी कैप्टन किलर के जासूसी मिशन के बारे में बताई देते हैं, हे हे हे। जनकू भैया मौका अच्छा है, क्यों ना आप जरा अपनी पेट पूजा भी करते चले, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली मनकू भैया, गर्मा गर्म जलेबियों को की खुशबू आ रही है, यम यम। और वे सीधे लल्लू हलवाई के पास जा पहुंचे, जलेबी दो शेर देना भैया, यम यम। अरे मनकू जनकू बड़े दिनों बाद आए हो, तो तुम्हारी छावनी में सब खैरियत तो है ना? लल्लू चाचा जब सबको पता चल गया है तो आपको भी हम कैप्टन साहब के जासूसी मिशन के बारे में बताई देते हैं, यम यम। और फिर वे लाला फकीर चंद की दुकान पर पहुंचे। लाला जी हमें कोई ऐसा धोती कुर्ता चाहिए जिसे कोई अंग्रेज भी पहन ले, पहनकर भारतीय लगे, यानी कि जब कैप्टन किलर यह धोती कुर्ता पहनकर यहाँ जासूसी करने आए तब आप भी उन्हें पहचान न पाए। वाह वाह भगवान उन अंग्रेजों की रक्षा करे। वहां सैनिक छावनी में हर जगह पर एक ही चर्चा गर्म थी, हम 100 रुपए का शर्त लगाता कि कैप्टन कामयाब होता, हम 200 का शर्त लगाता कि कैप्टन पकड़ा जाता, भगवान हमारा कैप्टन किलर को लंबी उम्र देना मांगता, चीयर्स। और कर्नल विल्सन खुद कैप्टन किलर को उनके इस मान जासूसी अभियान पर बधाई देने आए, अगर तुम अपने मिशन में कामयाब होता तो हम तुमको खूब सारे मेडल देना मांगता, थैंक यू सर। और वह सपनों में खो गया। शक्तिपुर कस्बे में भी कैप्टन किलर के जासूसी अभियान की चर्चा खूब जोरों से गर्म थी। दद्दू हम सब कस्बे वासियों को मिलकर अपने जासूस मेहमान के स्वागत में कुछ करना चाहिए, क्यों? बिल्कुल, हर मेहमान का स्वागत करना हमारा फर्ज बनता है। वाह वाह क्या बात कही दद्दू ने, हाँ देखो हम इस ड्रेस में कैसा अच्छा लगता है, हमारा मूछ भी कितना अच्छा लगता है, कमाल हो गया आप तो पूरे शक्तिपुर के जाट लगते हैं, वाह आप सचमुच बहुत ही जम रहे हैं, देख लेना आपकी जासूसी जरूर सफल होगी, हम गुंगा और बहरा बनकर शक्तिपुर जाना मांगता, कोई हमारी भाषा पर भी शक नहीं करना मांगता, ही ही ही। क्या बात है, अब ज्वाला सिंह का बच्चा बचकर कहां जाएगा। और फिर सबने कैप्टन किलर को भावभीनी विदाई दी, बू। कर्नल विल्सन अगर हम मर जाता तो हमारा घर इंग्लैंड में जरूर खबर देना मांगता, टाटा बाय बाय बू। कैप्टन तुम चिंता नहीं करता, तुम नहीं मरता, हाय। कैप्टन किलर पूरी सावधानी से दूसरे रास्ते से कस्बे की ओर बढ़ रहा था, याहू हमारा जासूस मेहमान इसी ओर आ रहा है,
भाइयों स्वागत के लिए तैयार हो जाओ, हमारा विशेष मेहमान आ रहा है। और फिर कैप्टन साहब का खूब जोरदार स्वागत हुआ। पत्र आइए पधारिए, शक्तिपुर में आपका स्वागत है। कौन आया कौन आया? मेहमान आया मेहमान आया। पत्र अच्छा तो आप गूंगे और बहरे हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमारे शक्तिपुर की परंपरा की हम हर घर आए मेहमान का जोरदार स्वागत करते हैं। और फिर शक्तिपुर वासी शहनाई की धुन में मंगल गान करते हुए अपने खास मेहमान को कस्बे में ले चले। घबराते क्यों भैया, लो पियो भांग, हमने खास तौर पर यह तुम्हारे लिए तैयार किया है। और यह मैं लाऊं तुम्हारे लिए भांग के लड्डू, हर इस साल का हर लड्डू नगीना है नगीना। ही, मैं तो अपने मेहमान के लिए भांग का हलवा तैयार कर रहा हूं, यह क्या होना मांगता, सब लोग हमारा क्यों स्वागत करना मांगता, हम तो फंस गया। वो ठंडाई के बाद लड्डू का दौर शुरू हुआ। मेहमान भाई जरा इब्राहिम दर्जी के हाथों से भी एक लड्डू खाइए, क्या याद करेंगे आप भी, हमारा सिर क्यों क्या होना मांगता है। और फिर बांग ने अपना असर दिखाया। हा बू, और कैप्टन किलर ने एक साथ रोना और हंसना शुरू कर दिया। और फिर बच्चों ने उसे गधे पर लाद कर पूरे कस्बे में सैर कराई। याहू हा ही ढेंचू, कैप्टन किलर का पूरा जुलूस निकालने के बाद शक्तिपुर वासियों ने उसे कस्बे के बाहर छोड़ दिया। ये टाटा बाय बाय आशा है, हमारी खातिरदारी आप जरूर याद करेंगे। बांग के नशे में धुत कैप्टन किलर सारा दिन वहीं पड़ा बड़बड़ाता रहा। हा, हम तो हवा में उड़ता है, ओए गुदगुदी मत करो। ही, काफी रात गए, जब उसे होश आया तो जंगल में इधर उधर भटकने लगा। हम कहाँ को जाता है, हम कहाँ से आता है, हमको कुछ नहीं पता। वो तभी एक आवाज ने उसका सारा नशा हिरण कर दिया। बोलो भारत माता की जय। और झाड़ियों के पीछे उसने जो दृश्य देखा उससे उसकी बत्तीसी मुंह फाड़कर बाहर निकल आई। क्रांतिकारी भाइयों, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि जो आप लोग अपनी जान पर खेलकर मुझसे मिलने यहाँ आए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब अंग्रेजों के पैर उखड़ने लगे हैं। वंदे मातरम, ज्वाला सिंह, हम आपके एक इशारे पर अपनी जान तक नौछावर कर देंगे। याहू मिल गया, हमको ज्वाला सिंह का पता, अब ज्वाला सिंह का बच्चा कहाँ बच कर जाता, अब हम फटाफट यहां से भाग जाता, अगर ज्वाला सिंह हमको देख लेता तो हम पर मुसीबत आने को मांगता। ही। तभी वहां पैरे पर खड़े ननकू बंदर ने उसे देख लिया। ची ची, तो बाप रे बू, क्या बात है ननकू, क्यों चिल्ला रहे हो, कौन आया था यहाँ? ची ची, मैं ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखता हूँ, वह भेदिया ज्यादा दूर नहीं पहुंचा होगा। ची ची, अच्छा तो यह मास है, तो जनाब नशे में भटकते भटकते यहाँ तक आई पहुंचे, खैर मैं इनसे निपट लूंगा। ही, हफ हफ वो कैप्टन किलर को मेरे से गुप्त ठिकाने का पता लग गया है, वह जरूर फौज लेकर यहाँ हमला बोलेगा, अब मैं यहाँ से खिसकता हूँ। भाइयों बाप लोग यहाँ से जाइए, ब्रिटिश सेना किसी भी समय यह हमला कर सकती है, हम लोग फिर मिलेंगे, वंदे मातरम। लगता है वह अंग्रेज खुद यमराज को यहाँ न्योता देने आया था। ही। नन को, अब तुम पेड़ पर चढ़कर आसपास निगरानी रखो, मैं फिर से ग्वाला राम दीन बन जाता हूँ। ठीक, राम जाने का कब तक यह रहस्य मैं अपने आप तक रख पाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। ही। और क्रांतिकारी ज्वाला सिंह पल भर में भोला भाला राम दीन ग्वाला बन गया। अब मैं अपने इस रहस्य की पोटली को पेड़ की खो में छिपा देता हूँ, अंग्रेजों से तो निपट चुके, अब घर जाकर छमिया का गुस्सा झेलना होगा। अच्छा भाई ननपू, अब मैं चलता हूँ, जरा ध्यान से रहना, अंग्रेज फौज किसी भी समय यहाँ पहुंच सकती है। शुभ रात्रि। खी। और राम दिन रात के अंधेरे को चीरता हुआ वापस शक्तिपुर कस्बे में जा पहुंचा। अपने घर पहुंचते ही उसकी जान निकलने लगी। समिया दरवाजा खोलो, मैं हूं तुम्हारा राम दिन। अच्छा तो आगे मेरे पति देव गुरु। और फिर हर रात की तरह समिया राम दिन पर खूब बरसी। राम जाने हर रात अपने दोस्तों के साथ घूमने की, यह आदत तुम्हारी कब छूटेगी, मैं तो तंग आ चुकी हूँ गुरु। अब मैं क्या करता, छमिया मेरे दोस्त मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। हे। और उधर कैप्टन किलर,
अपने मिशन में सफल होकर वापस सामनी पहुंचा। ज्वाला सिंह का पता मिल गया है याहू। कर्नल विल्सन, हम ज्वाला सिंह का पता लाना मांगता। ज्वाला सिंह, शक्तिपुर जंगल में रहना मांगता। हम कल रात आर्मी लेकर वहां हमला करना मांगता। गुर्र, क्या ज्वाला सिंह शक्तिपुर जंगल में रहता मांगता? वेरी गुड कैप्टन किलर, अब हमारा आर्मी ज्वाला सिंह को जिंदा पकड़ना मांगता। तो फील्ड मार्शल बटलर हम पर खूब खुश होना मांगता, हमारा प्रमोशन भी होना मांगता। शक्तिपुर कस्बे के वासी हर हालत में खुश रहना जानते हैं। यहाँ की हर सुबह से हर शाम हर दिन आनंद से भरा होता है। यहाँ के सीधे-साधे निवासी कोई भी हंसने गाने का मौका नहीं चूकते। ला ला ला, क्या बात है राम दिन भैया, आज तो खूब गला फाट कर राग लाप रहे हो। क्या करू जोरावर सिंह, यह गाय गोरी गाना सुने बगैर दूध ही नहीं देती। हा हा हा, और जोरावर भैया मेरे पति देव श्री श्री राम दिन को मेरी डांट सुने बगैर नींद ही नहीं आती, यकीन ना हो तो पूछ लो इनसे। ही और रोज की तरह राम दिन दूध में ढेर सारा पानी मिलाकर सैनिक छावनी पहुंचाने चल पड़ा। दूध पहुंचाने के बहाने जरा यह भी तो पता करूं कि अंग्रेज कब मेरे गुप्त ठिकाने पर हमला बोलने वाले हैं। हे। तभी राम दिन की भेंट मन को जनकु से हुई। क्या बात है भाइयों, आज तो तुम दोनों का चेहरा सा दिखता है जैसे तुम्हें फांसी लगने वाली हो। कुछ ऐसी बात है राम दिन, हम कोई ऐसी तरकीब सोच रहे हैं जिससे हम आज ही बीमार पड़ जाएं। कमाल है, तुम लोग खुद को बीमार करना चाहते हो, पर क्यों ये हम तुम्हें नहीं बता सकते, यह बहुत ही गुप्त बात है। चलो कोई बात नहीं, वैसे मेरे पास एक दवा है जिससे तुम्हारी तबीयत अभी खराब हो सकती है। फिर तो राम दिन भैया तुम्हें ये बात बतानी होगी, पर यह बात अपने तक ही रखना। आज रात अंग्रेज फौज ज्वाला सिंह के गुप्त ठिकाने पर हमला करने वाली है। तुम तो जानते ही हो कि हमें लड़ाई झगड़े से कितना डर लगता है। वो ठीक है, मैं कुछ देर में तुम्हें एक पुड़िया दूंगा जिसे खाकर तुम्हारा पेट गड़बड़ हो जाएगा। ही, मेरा काम तो बन गया, आज रात तो जंगल में खूब मजा आएगा, फटाफट चलकर सारी तैयारियां करता हूँ। ही। और फिर उसी रात कर्नल विल्सन सारा तैयारी होना मांगता, आप हुक्म दो हम हमला करना मांगता। वेरी गुड, अब ज्वाला सिंह काम बचकर जाना मांगता। कैप्टन एक बात याद रखना मांगता, अगर हम इस मिशन में कामयाब होना मांगता तो हमको प्रमोशन मिलना मांगता। यस सर। ही। अगर हमको प्रमोशन मिलता तो हमें इंग्लैंड घूमने जाता और शादी बनाता। ही। अब हम लड़ाई का बिगुल बजाता है, यह क्या होता, हमारा बिगुल क्यों नहीं बजा? फू, कमाल होता, ऐसा तो पहले कभी नहीं होता, अब हम और जोर लगाकर फूंकता। फू फू, अच्छा तो यह इंडियन चूहा हमारा बिगुल में बैठा होता। गुर्र, टू टू टू, ची ची ची। और फिर कैप्टन किलर का ने बिगुल बजाकर युद्ध की घोषणा की। टू टू टू, बिगुल सुनकर सारे सैनिक अपने अपने हथियार लेकर बैरकों में से बाहर आ गए और छावनी के सारे सैनिक परेड ग्राउंड में इकट्ठे हो गए। मन को जनगु, यह क्या होना मांगता? गुर्र, सर हमारा पेट खराब होना मांगता। बू, तुम लोग यहां से दफा होना मांगता, तुम लोग हमले में नहीं जाना सकता। हाय। गुर्र, और वे खुशी खुशी अपने बैरक में लौट आए। याहू, हम बच गए। ही। और फिर कुछ ही देर बाद ब्रिटिश सेना कैप्टन किलर के नेतृत्व में ज्वाला सिंह को पकड़ने वन की ओर चल पड़ी। टू टू टू, उधर वन में ज्वाला सिंह भी बड़ी बेचैनी से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। आज अंग्रेजों को ऐसा मजा चखाता हूं कि वे यहाँ का रास्ता ही भूल जाएं। खींची, आज मैं उनके खिलाफ एक नए हथियार का प्रयोग करूंगा, देख लेना उनको नानी याद आ जाएगी। ये मधुमक्खी के छत्ते मेरे नए और अनोखे हथियार हैं। अंग्रेज सैनिकों ने चारों ओर से वन को घेर दिया। कैप्टन किलर को अपनी कामयाबी पर पूरा भरोसा था। सिपाही जल्दी नीचे कुआना मांगता, ज्वाला सिंह को कच्चा चबाना मांगता। कुछ ही मिनटों में सारे सैनिक अपनी अपनी पोजिशन पर तैनात हो गए। पूरे वन में आतंक का वातावरण फैल गया। ज्वाला सिंह, हमको मालूम है कि तुम इसी जंगल में छिपा होना मांगता, तुम अपना हथियार डाल दो और नाम तुमको गोली से उड़ाना मांगता। प्यारे नंदू, अब तुम फटाफट इस पेड़ पर चढ़ जाओ
और निशाना साधकर उन सतों पर पत्थर मारो। खी खी। और ननकू ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बड़ी तत्परता से उन मधुमक्खियों के छत्तों पर पत्थर से वार करना शुरू कर दिया। शाबाश ननकू, अब झटपट यहाँ आ जाओ, अभी देखना इन देश भक्त मधुमक्खियों का कमाल। ही ही, की की। पूरे वन में फैले अंग्रेज सैनिकों को रत्ती भर भी खबर नहीं थी कि यहाँ उनकी मौत का सामान तैयार हो रहा है। मैं घर से चलते समय यह मोटा कमल ले आया था, यही कमल हमें इन मधुमक्खियों से बचाएगा। ही ही, की की। और फिर कुछ देर बाद मधुमक्खियों ने अपना गुस्सा दिखाया। यह क्या होना मांगता? मधुमक्खियों के कई कई झुंडों ने एक साथ अंग्रेज सैनिकों पर हमला बोल दिया। पूरे वन में हाहाकार मच गया। बचाओ बू। बेचारे अंग्रेज यहाँ छिपने के लिए जगह तलाशने लगे। थैंक गॉड, अब तो हम इस तालाब में छिपना मांगता। लेकिन वे बेचारे उन क्रोधित मधुमक्खियों के वार से नहीं बच पाए। अयो, अंग्रेज सैनिकों के चीखने चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी। हाय बचाओ आबू, क्यों पैरे नंद को मजा रहा कि नहीं? ही ही ही, खी खी। और जिस सैनिक ने वन से निकलकर बाहर भागने की कोशिश की, संयोग से उनका सामना भीमू सांड से हो गया। बू बचाओ। एक साथ इतने सारे अंग्रेज सैनिकों को देखकर खुशी से भीमू सांड के नथु ने फूल गए और वह अपना भीम सैनी सिंह खड़काता हुआ गुर्र जुम धड़ाम। उसी समय सैनिक छावनी के भीतर लगताबंद में हमारे अंग्रेज सैनिक क्रांतिकारियों के साथ घमासान युद्ध कर रहे हैं। भैया जनको, यह चीखने चिल्लाने की आवाज कहां से आ रही है? हमें भी अपने सैनिकों को बचाने के लिए जाना चाहिए, आखिर हमने भी अंग्रेजों का नमक खाया है। हम खानदानी लोग नमक हराम नहीं, नमक लाल हलाल होते हैं। हमला जनकू, वह देखो टैंक, हम इस टैंक से क्रांतिकारियों पर हमला बोलते हैं। याहू, बड़े दिनों से इस टैंक में बैठने की तमन्ना थी, आज वह भी पूरी हो जाएगी। उड़ रहे, हम इस टैंक से क्रांतिकारियों के छक्के छुड़ा देंगे, खूब मजा आएगा। कर्नल विल्सन और कैप्टन किलर हमारी बहादुरी से बड़ा खूब खुश होंगे, हमें मेडल मिलेंगे। लेकिन मन को भैया, हमें टैंक चलाना तो आता ही नहीं, अब क्या होगा? टैंक चलाना भला कौन सा मुश्किल काम है, हम अभी सीख जाएंगे। हे हे हे, यह देखो चल पड़ा हमारा टैंक। याहू, लेकिन मन को भैया, यह तो सीधा बैरक के अंदर जा रहा है, जल्दी रोको इसे। जनको, यह कम वक्त तो रुकता नहीं, अब क्या होगा? बू, मनकू के बच्चे, इस टैंक में कहीं ना कहीं तो ब्रेक फिट हो गई, जल्दी ढूंढो उसे। गुर, मिल गया मिल गया, शायद यही बटन ब्रेक का हो, मैं भी दबाता हूं इसे। ही ही, भगवान करे यही हो। गुर, लेकिन टैंक रुक कर चारों ओर घूम घूम कर गोले बरसाने लगा। बुम, मर गया, यह बटन तो फायर करने के लिए है, अब इसे बंद कैसे करे? मुसीबत पर मुसीबत आ गई, अब तो भगवान ही कुछ कर सकता है। बू धड़ाम, यह गया कर्नल विल्सन का ऑफिस। बू, और यह गई पानी की टंकी। बू धड़ाम बूम। और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी सैनिक छावनी जापान का नागासाकी और हिरोशिमा बन गया। चलो रुक गया हमारा टैंक, और इसने बम बरसाना भी बंद कर दिया है। घर घर, तुम्हारे की ऐसे नहीं रुका यह टैंक, इसमें ईंधन चुक गया है। गुर, हमारी प्यारी प्यारी छावनी का तो बुरता ही बन गया। बू, अब कैप्टन किलर हमारा बुरता ने बना दे। बू, हम कहेंगे कि क्रांतिकारी ज्वाला सिंह ने यह सारी तबाही मचाई है, हमने तो पूरी वीरता से उसे रोकने की कोशिश की। ठीक कहा तुमने, इसी में हमारी खैर है, जाओ आओ अब हम फटाफट फूट ले यहां से। बू टन टन, हम अपने वीर सैनिकों के स्वागत के लिए भी जयमाला बनाते हैं, हम अपने स्वामी अंग्रेजों के लिए कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। बन गई दो सुंदर सुंदर फूलमालाएं, एक कर्नल के लिए और एक कैप्टन के लिए। आते होंगे हमारे विजय सैनिक, आओ उनके स्वागत के लिए चलते हैं। ही ही ही। मुख्य द्वार पर खटखटाने की आवाज हो रही है, लगता वे आ गए हैं। आओ हम अपने वीर सैनिकों के सम्मान में मंगल गान गाए। याहू, बोलो कर्नल विल्सन साहब की जय, वीर कैप्टन किलर साहब की जय। बू, और उसी समय जब राम दिन अंग्रेज सैनिकों की खाट खड़ी करके घर पहुंचा तो उसकी पत्नी छमिया आग बबूला हो रही थी।
सिमियन नाराज न हो, मुझे बड़ा दुख है जो रात में घर नहीं लौट सका। लेकिन यह देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारा शहद लाया हूं, मैं इसका क्या करूंगी, ले जाओ इसे और जाकर अपने आवारा दोस्तों को खिलाओ। गुरु भगवान, मैंने तो यह सोचा था कि यह शहद बेचकर तुम्हारे लिए राजस्थानी घाघरा सिलवा दूंगा। क्या राजस्थानी घाघरा? तुम कितने अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। ही, आज तो बाल बाल बचे। राजस्थानी घाघरा पाने की खुशी में छमिया अब कई दिन तक मुझ पर नाराज नहीं होगी। मजे आ गए। और उस दिन के बाद हर रात वन में चैन से क्रांतिकारियों की जमघट होती रही। विजय विश्व तिरंगा फहरा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वंदे मातरम। कुछ दिनों के बाद जब सारे अंग्रेज फिर से स्वस्थ हो गए, तब कैप्टन कैप्टन की लड़की सामत आई। तुम्हारा वास्ता हमारा यह हाल हुआ, हमारा सारा सैनिक जख्मी होता और हमारा सारा सारा छावनी भी तबाह हो गया। गुर, अब तुम्हारा सजा यही होता कि तुम सारा छावनी का अकेला ही सफाई करता। 3 दिन के अंदर तुम सारा सफाई करना मांगता, पर नाम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करता। गुर, और बेचारा कैप्टन किलर पूरे 3 दिन और 3 रात लगातार सफाई करता रहा। हमारा किस्मत ही खराब होता। बू, मुझे अपने कैप्टन साहब पर बड़ा तरस आता है, बेचारे बुरे फंसे। यह सब ऊपर वाले की कारस्तानी है, हम तो मात्र उसके हाथों की कठपुतलियां हैं। तुम दोनों हमारे अपना जान पर खेल कर अपना छावनी को क्रांतिकारियों का टैंक से बचाने की का कोशिश किया है। इस वास्ते हम तुम दोनों को एक एक बहादुरी का मेडल देता है। ऊपर वाला मेहरबान तो हम गधे भी पहलवान, अपने तो मजे आ गए। याहू, बोलो नीली छतरी वाले की जय। तो दोस्तों, एक मुसीबत समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।